नीट पै असत्य आरोप एंपी राहुल गांधी क्षमापणलु चेप्पालनि डिमांड चेशारु केंद्र मंत्री किरण रिजिजू परीक्ष मल्ली अवसरं लेदनि सुप्रीम कोर्ट विचारण तर्वात चेप्पिंदन्नारु कानी अंतकु मुंदु राजकीयंगा कावालनि राधांतं चेशारन्नारु किरण रिजिजू लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पूरे इंडिया का एग्जामिनेशन सिस्टम को फ्रॉड बताया। ये बहुत बड़ा इंसल्ट है क्योंकि हमारा देश में जितने आईएएस आईपीएस आईएफएस जितना भी एलिट क्लास के कोई भी सर्विसेज हो या आईआईटी हो आईआईएम हो मेडिकल का जितना भी एग्जामिनेशन होता है उसको फ्रॉड कहना ये देश के जनता और सिस्टम को एक तरीके से इंसल्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कैटेगरिकली कहा है कि कोई अगर गलती किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होगा और जो स्टूडेंट्स और जो भी लोग पेपर लीक में इन्वॉल्व हैं या किसी ने पेपर लीक करने का कोशिश किया या कहीं भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको दोषी या लिंक पाया गया तो उसका अलग से कार्रवाई होगा। लेकिन पूरा सिस्टम को जैसे लोकसभा में राहुल गांधी ने कहा कि सिस्टम ही बिक चुका है तो इसको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद श्रीमान राहुल गांधी जी को सदन से भी माफ़ी मांगना चाहिए।